तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कौन कैटेलाइज करेगा ऑक्सीडो रिडक्टेजेस तो उसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा देख लिए आ गया मजा उसी तरह ए बी के पास येलो था इसने सी को दे दिया तो अब ए अलग हो गया बी सी येलो लेके भाग गया सो दिस इज ट्रांसफरेज ठीक है तो ट्रांसफरेजेस में पीछे आपके नाम लगे हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफर करेगा अमीनो ट्रांसफरेज अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा फास्फो ट्रांसफरेज फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा एंड सो ऑन हाइड्रोलेसेस ये एक सबस्ट्रेट है उसको वाटर से तोड़ देते हैं वाटर से तोड़ने का मतलब क्या है एक को पकड़ाया हाइड्रोजन दूसरे को पकड़ाया ओएच तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस अंडरस्टुड कोई शंका आर यू एंजॉयिंग दिस डायग्राम और नॉट अक्षिता अक्षिता yes, आपको yes. चला? Yes, sir. तो, yes, sir. तो मैंने वो गाना क्यों सुना है आपको मालूम है कभी कभी मुझ गरीब का भी खैरियत पूछ लिया करो आप लोगों ने समझा नहीं कि मैंने वो गाना क्यों सुनाया आपको क्योंकि आपको कभी कभी इस गरीब का भी खैरियत पूछ लेना चाहिए है कि नहीं अब मैं मोटा हूं इसलिए आप मुझे लाइक नहीं करोगे ऐसा नहीं है ओके सो यू कैन आस्क खैरियत अबाउट दिस पोअी छ

ए प्लस बी ए सॉरी इधर ये जोड़ रहा है आप तोड़ दो जोड़ रहा है ये कौन सा होगा मालूम है बेसिकली योर uh, जो क्या जो डबल बॉन्ड्स सो दे बट लाइस का एक और एक्टिविटी भी हम दिखा सकते हैं ए बी को दिखा सकते हैं इधर ए प्लस इसको उल्टा कर दो तो ये आपका क्या है ये ब्रेकडाउन हो गया ये आपका सिंथेसिस हो गया तो इसलिए ए बी गिव्स ए बी प्लस ए दिस इज वाट दिस इज ब्रेकिंग एंड ए प्लस बी गिव ए बी दिस इज सिंथेसाइजिंग अंडरस्टूड तो इसलिए हम लोग इधर दो रिएक्शन देख रहे हैं इधर आपका सिंथेज है एंड इधर आपका क्या है ब्रेक डाउन है ठीक है जी आइसोमरेज दे आर प्रोड्यूसिंग आइसोमर्स एंड लाइगेज देखो ये ग्रुप्स को जोड़ रहा है ठीक है तो देखो कितना सुंदर है तो मैंने आपका लिए फोटोज खींच दिया ताकि आपको भेजा जा सके बिकॉज दिज आर बुक्स यू कैनॉट फाइंड आउट है कि नहीं चलिए सो दिस दिस इज इज द अब योर बुक एंड एंड में कुछ है चलिए सो टूडेज क्लास एक्चुअली सी व्हाट वेन एवर वी आर रीडिंग सी दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर क्लास है कि नहीं जब हम पढ़ रहे हैं देखो एक दिस इज वन ऑफ़ द बेस्ट बुक्स इन बायोकेमिस्ट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट एंड जब आप भी कल मेडिकल कॉलेज पढ़ो जाओगे ये आपका टेक्स्ट बुक होगा इसको हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं देख रहे हैं देखो कितना सुंदर बुक है आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू एप्रिशिएट एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक बी विटामिन आउटलाइन फोर प्रिंसिपल mechanisms ऑफ catalysis. Describe concept ऑफ इंड्यूस्ड फिट theory. हमने इंड्यूस देख रहे हो अब आप सोचो मैंने कितना टाइम यूज किया इसको समझाने के लिए इंड्यूस्ड फिट theory. वो कार वाला मॉडल कि जब सत्य खोलता है तो वेलकम सत्य बोलता है जब डैडी खोलते हैं तो वेलकम डैडी बोलता है जब बीवी खोलती है तो वेलकम बीवी बोलता है जब मम्मी खोलती है तो वेलकम मम्मी बोलता है इसका मतलब लॉक कंपनी से बन के आया है ना इंसान को देखने से बन रहा है बोलो दल बोलो इंसान को देखने से, तो देखने से। बन समझ में आया सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी बट ऋषिका आप तो जानते हो ऋषिका हो एक नंबर वो बहुत ज्यादा लाडली है उसका मम्मी का वो एक नंबर का, का है मम्मी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है आज हम लोग कहीं जाएंगे तो चाप बेटा नहीं की जाए था बट एज यूजल सी इज केयरलेस एंड सी वेंट टू होम एवेंट टू स्कूल विदाउट टेकिंग कीज जब घर आया तो ऋषिका उस ताले को देख के बोलता खुल जा सिम सिम खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, क्या वो ताला खुलेगा दुण दुण। बोलो क्यों नहीं खुलेगा तेरे को कोई दुश्मनी है उस ऋषि का से वो गरीब बच्ची ऐसे कैसे घर में घुसेगी क्यों नहीं खुलेगा सिर्फ चाबी से खुलेगा वो तो है नहीं भी अब उसके लिए तो अभी क्यों नहीं खुल रहा है तो खुल जा सिम सिम कौची तो वो जब खुल जा सिम सिम अपने कार को बोलती है खुल जाता है बट घर नहीं खुल रहा ताला कौन सा ताला है घर में लॉक एंड की वेरी गुड एंड कौन सा ताला है कार में इंड फिट में आ गया तो इसीलिए अब ऋषिका जैसे ठोको के लिए कैसे ताला रखना चाहिए घर में हा 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 हा, चलो अब वहां ऋषिका गुस्सा हो रही होगी चलिए सो सुना देख रहे हो तो ये सारे पैरामीटर्स पे हमको खरा उतरना है तो ये हम आप देख लेना कि आपको क्या क्या चाहिए दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर क्लास एक्चुअली सुना आई विल गो बैक टू बोर्ड तो अब हम लोगों ने एंजाइम का फीचर्स डिस्कस किया तो सबसे पहले फीचर डिस्कस किया स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट अगर बदल जाए तो रिएक्शन नहीं होगा ओके यू कैन टेक योर आइडेंटिकल ट्विन साली टू द पार्टी नोबडी विल है प्रॉब्लम्स बट यू विल हैव बिग प्रॉब्लम क्योंकि आपको मालूम है वो साली है वो घर वाली नहीं है अंडरस्टैंड तो जो लिबर्टी इस दूसरे के दूसरे हसबेंड अपने बीवी के साथ ले सकते हैं आप अपने इस नई बीवी के साथ नहीं ले सकते क्योंकि एवरीबडी ड नॉट नो दट सी इज नॉट योर बीवी बट योर साली तो देख रहा हो तो स्पेसिफिसिटी कितना डेंजरस है स्पेसिफिसिटी का मतलब एग्जैक्टली सेम बट नेचर में दो तरह के एंजाइम्स देखे जाते हैं कुछ तो इतने रिजिड होते हैं कुछ नहीं होते तो जो रिजिड होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि उनका एंजाइम एंड की थ्योरी एप्रोप्रिय मैंने पसंद करता है यस फॉलो yes, करता है वेरी गुड एंड जो दूसरे का जो है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को फॉलो करता है देख लो मैंने अब, अब समझने लगोगे ना ये सब आंसर्स आएंगे यू नो व्हाई आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड बिकॉज देन यू विल टेल द आंसर मुझे बोलने का कोई जरूरत नहीं है चलिए अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे आज थोड़ा मजा आने वाला है थर्ड पॉइंट इज दैट एंजाइम्स एंजाइम्स जो है एंजाइम्स डू नॉट ओके जो एंजाइम्स करते क्या है एक्चुअली व्हाट डू एंजाइम्स डू एंजाइम्स नीदर चेंज द फ्री एनर्जी लेवल ऑफ दबस्ट्रेट ओके okay, उसको हम लोग जी सब्सक्रिप्ट में एस बोलते हैं ओके जी इज एंथेल्पी गिब्स एनर्जी याद है गिब्स रिएक्शन डेल जी इज टू डेल एच माइनस टी डेल एस तो ये वो जी है ओके यस दिस इज दैट जी फाइन तो इसलिए एंजाइम्स नीदर चेंज द फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट नॉर द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट समझ रहे हो वो एन, आपका फ्री एनर्जी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में जी नीचे पी ये सब्सक्रिप्ट में होगा ओके आई कैन नॉट राइट तो आप लोग एस, एस को सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे पी को सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे ओके okay? तो एनर्जी एनर, एनर, नीदर चेंज द फ्री एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट नॉर द फ्री एनर्जी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है ईट

रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारे बुक में लिखा है वेलोसिटी जैसे कोई रनिंग रेस हो रहा हो है कि नहीं इन योर रिएक्शन इन योर बुक इट इज वेलोसिटी ओके वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एनसीआर में इसलिए आपको याद होना चाहिए जैसे वेलोसिटी क्या होता है रनिंग रेस तो दिस इज रिप्रेज वी जीरो अगेन जीरो नीचे होगा यार क्या करेंगे तो वी मैं ओ लगा दे रहा हूं ठीक है ये एक्चुअली वी जीरो है ठीक है अंडरस्टूड सो इट डज नॉट चेंज द पाथ बट स्टिल इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जस्ट बाय डिक्रीजिंग द क्या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पे एक क्लास कुर्बान समझ रहे हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो उसको हम कैसे लिखते हैं ई e, सब्सक्रिप्ट में एक्ट ए अंडरस्ट नाव व्हाट इज दिस कंसेप्ट ओके तो इसका मतलब क्या है तो नाव लेट एस सी ए डायग्राम ओके ना अब सोचिए आप एक एक्चुअली वट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी Now, अब आप एक पिक्चर देखने गए है कि नहीं? सो यू वेंट टू पिक्चर या मूवी जैसे वहां गए तो वहां टिकट था पांच सौ रुपया तो डैडी ने आपको पांच सौ रुपया दिया है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया इन द स्कूल तो डैडी हैज गिवन फाइव हंड्रेड रुपीज जाओ बच्चे मस्ती करो एंजॉय द पिक्चर तो आप जैसे ही स्नेहा पोलेव पिक्चर देखने गई उस वो तो ऑल इंडिया फटा रेडियो है मतलब उसका मुंह में कुछ रुकता नहीं है उसने ये बात सबको बता दिया कि मोना पिक्चर देखी जाऊ रोला वाली स्कूल रे डैडी पैसा दे ले एबे मुझे भी पिक्चर तो जैसे ही उसने ये बोला सब का मुंह सूख गया क्योंकि भाई बाकी लोगों को भी कहीं कही ना कहीं एडमिशन मिला है फिर क्यों नहीं दे रहे हो डैडी ने पैसा हमको तो वेर सैड है कि नहीं तो फिर आयुष पौंडा आ जाता है द बदमाश वो आके बोलता है अरे सुनो हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं जो स्वस्ति जो क्या है वो कौन सा हमारा हॉल है जो केसरी टकीज़ जो केसरी टकीज़ है उसको जय सर के दादाजी नाना जी ने बनाया था तो वहां थोड़ा हम लोग हुक लगाते हैं तो जैसे ही एक गैस मारा एक्चुअली ही वाज जस्ट ड्राइंग भाई मरता क्या ना करता तो जैसे ही आयुष जाके बोला कि भाई टिकट दे दो तो उसने बोला पांच सौ रुपया तो बोलता तो आप जानते हो हम कौन है ना कौन हो ना हम जेजे सर के स्टूडेंट हैं तो वो थोड़ा डर गया बोला कौन जे जेजे सर वो मोटे वाले तो बोलता हाँ हाँ वो मोटे वाले तो बता ठीक है ठीक है अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं आपका टेन रुपीज है टिकट तो समझ में आया तो जैसे ही उसने जेजेसर का नाम लिया टिकट का रेट क्या हो गया टेन रुपीज ओके सो नाउ द रेट ऑफ द टिकट इज टेन रुपीज तो अब स्नेहा के पास पचास रुपया है पांच सौ रुपया सो हाउ मेनी पीपल कैन नाउ वॉच द मूवी 50. बोलो 50? 50 तो हम लोग सारे जा सकते हैं कि नहीं yes, जा सकते हैं ओके कितना कितना पैसा लगेगा हाँ. बाक, बाकियों को बाकियों को कितना पैसा लगेगा पांच सौ कुछ नहीं लगेगा yes. अरे पांच सौ तो स्नेहा के पास है ना तो इसीलिए स्नेहा अगर अपने डैडी को ये सीक्रेट ना बताए तो उस पांच सौ से हम सब पिक्चर देख सकते हैं डू अंडरस्टैंड नाउ तो इसीलिए स्नेहा का एक्चुअली खर्चा अगर डैडी को बोलने से डैडी क्या बोलेंगे चार सौ नब्बे लौटा बोलेंगे कि नहीं भाई पिक्चर का अगर दस रुपए का था तो तुम चार सौ नब्बे रुपए लौटाओ तो इसे ही पे ही, वही पांच सौ रुपए से हमने पचास बच्चों को पिक्चर दिखा दिया कैसे बाई डिक्रीजिंग द एंट्री फी तो गेट कीपर बोलता है टैक्स का पैसा दे दो आप आ जाओ तो अंडरस्टूड तो दस रुपए दिया और हर अब दस रुपए से हमने स्नेहा का टिकट ले लिया अब बच गया कितना रुपया बोलो चार सौ नब्बे तो 490 में हम और कितना टिकट खरीद सकते हैं 49 49 तो अब हम सारे पिक्चर देख सकते हैं अंडरस्टैंड सो दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ठीक है तो ये हमारा एक ग्राफ है नाउ सो दिस इज द ओरिजिन आप जानते हो एंड इन द दिस वी आर टेकिंग प्रोग्रेस ऑफ द रियक्शन ओके तो रिएक्शन का प्रोग्रेस हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं नाउ तो वट इज द कंसेप्ट एक्चुअली तो मैंने एक्चुअली होता क्या है एंजाइम जो है ओके okay, जो एंजाइम है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स प्लस

es बन जाएगा व्हाट इज हैपनिंग हियर ई एस इज चेंजिंग टू ई पी तो EP. समझ रहे हो तो इसीलिए यहां जो रिएक्शन हो रहा है तो यहां जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ठीक है सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली रिवर्सिबल तो ये आपका फॉरवर्ड भी जाएगा या आपका बैकवर्ड भी आ सकता है ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है इसलिए हम इसको इस तरह से दिखाते हैं एंड ये एक इिवर्सिबल स्टेप है तो इसको हम पाथ या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कहते हैं Understood? तो ना हो, अब हम लोग क्या करेंगे एक ग्राफ बनाएंगे ओके सो वी विल मेक ए ग्राफ सो सपोज दिस इज ये एक ग्राफ है ठीक है so what is this this is the free energy of substrate and this is the free energy of product aapko malum hai what is del g gs minus gp to gs minus gp agar negative hoga tabhi reaction feasible hota hai ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे understand कंसेप्ट तो अगर आपका जी एस इज मोर देन जी पी ये हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं दिस इज योर फ्री एनर्जी तो रिएक्शन में हम लोग लेते हैं क्या जी फाइन तो जी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एनर्जी ठीक है जी ना तो इसीलिए ये क्या है एक्चुअली वट इज दिस सोशन हा सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ठीक है सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ऑफ एन अनकैटलाइज रिएक्शन ओके मैने यहां हम कोई भी एंजाइम यूज नहीं कर रहे हैं क्लियर बट अब एंजाइम क्या करता है थोड़ा देखा जाए तो नाउ लेट अस टेक अनदर कलर फॉर एंजाइम एंजाइम ना तो आपका फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट चेंज करता है ना ही आपका फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ओके ये बिल्कुल पैरल लाइन लाना एंड इधर चेंज करना ये एकदम जुड़ के आएगा ओके आई विल शो यू द ड्राइंग ऑल्सो तो देख रहे हो सो so, ना तो उसने फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट चेंज किया ना ही उसने फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट चेंज किया ना ही उसने पाथ ऑफ द रिएक्शन को चेंज किया तो फिर भी वो रेट बढ़ा देता है कैसे रेट बढ़ा देता है बिकॉज वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देता है तो व्हाट इज दिस एक्चुअली सो दिस इज द क्या दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ए कैटलाइलाइज रिएक्शन समझ रहे हो तो ये जो है ये कैटेलाइज रिएक्शन का कंसेप्ट है तो अब व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको थोड़ा देखा जाए है कि नहीं इन दोनों में डिफरेंस है ये फाइन सो व्हाट इज दिस ओके इसको हम क्या कहेंगे सो दिस इज कॉल्ड क्या डेल्टा ई ए तो एक्चुअली डेल्टा में यहां लिख नहीं सकता तो इसलिए मैं उसको डिफरेंस लिखूंगा या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ब्रैकेट रे अनकेट माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ब्रैकेट रे कैट समझ रहे हो तो दिस इज कॉल्ड योर डिफरेंस तो इट इज़ यूज टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन तो समझ रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे बढ़ाते हैं ये जो एनर्जी को यूज करके अंडरस्टूड सो दिस चॉकलेट एरो हंड्रेड रुपीज दिस इज टेन रुपीज दिस येलो एरो केस ऑफ स्नेहा इज फोर हंड्रेड नाइन्टी रुपीज तो नाउ दिस फोर हंड्रेड नाइन्टी रुपीज से यूज करके हम इस तरह का 49 और रिएक्शन कैटलाइज कर सकते हैं सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई विल शो यू ए फोटोग्राफ सो देख रहे हो सो दिस इज द सिंपल डिफरेंसेस तो ये अलग एंजाइम्स का है तो हम लोग इस ड्राइंग पे कंसंट्रेट करेंगे ठीक है now so we will focus on this so, so what is this here yapka path the path, a plus b and this p -pact -pact product so what is this so this is actually gs okay this is actually the free energy of substrate and what is this this is actually y-axis this is actually फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अंडरस्ट नाउ वॉट इज दिस तो ये लिखा ही हुआ है डेल्टा जी कैट ओके ये डिफरेंस है एक्चुअली डेल्टा जी कैट कौन सा होता है जो डिफरेंस वाला डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ओके कॉमन यूज टू इंक्रीज द रेट अंडरस्टूड रेट ऑफ वेलोसिटी जो भी आप बुक्स में लिखा है आप यूज कर सकते हो ठीक है जी तो so, समझ में आया कि नहीं सो दिस इज वाट इज हियर नाउ अगर हम लोग इसको एक लाइन ले लें कॉन्स्टेंट लाइन सपोज वी टेक इट एज ए कॉन्स्टेंट लाइन है कि नहीं इस लाइन को अगर हम कॉन्स्टेंट लें फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट एंड इस लाइन को अगर हम ले लें फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो समझ में आया तो ये हमारा डायग्राम बन जाएगा चॉकलेट एरो कौन सा है ये वाला ओके दिस इज द चॉकलेट एरो एंड उधर कौन सा दूसरा एरो था हमने ग्रीन सपोज तो ये आपका ग्रीन एरो है अंडरस्टूड तो व्हाट इज द ग्रीन एरो एक्चुअली तो ग्रीन एरो इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर ए क्या कैटलाइज्ड Reaction, ठीक है? And what is the chocolate arrow actually? Chocolate arrow कहाँ लिखा जाए? ऊपर लिख देते हैं। Okay, तो chocolate arrow क्या है? Energy of activation for a an uncatalyzed क्या reaction? Understood? अब आगे समझ? So this is the diagram. तो जो diagram